सो हे एवरीवन, तो आज हम फिर से अपने न्यू टॉपिक के साथ पॉइंट हम कर रहे थे, तो आज हम उसी को फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो आपने पिछली हमारी वीडियो में हमने पॉइंट को लेके शुरू किया था। हमारा टीजीटी मैथमेटिक्स का कोर्स चल रहा है, पॉइंट की पहली क्लास हो चुकी है, जिसने नहीं देखी है वो देख लेना। तो उसमें हमने क्या सीखा था, उसमें हमने रिफ्लेक्शन के बारे में सीखा था, और आपका किसके बारे में सीखा था, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सीखा था। तो आज हम उसी के आगे शुरू करेंगे, आज हम पोलर कोऑर्डिनेट से शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए उसी के आगे से हम शुरू करते हैं, ये हमने कल यहाँ पे खत्म किया था। अगर ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेस का हो रहा है तो हम उसी के आगे से शुरू करते हैं। अब हम करेंगे किसके बारे में, पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में। सी पोलर कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है, पोलर कैसे आएगा क्वेश्चन। देखिए ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है। पोलर कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके दो कोई कोऑर्डिनेट्स है, एक्स कॉमा वाई, इनकी ओरिजिन से कितनी दूरी है, ये आपके ओरिजिन से आर दूरी पे है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो आप बोलोगे कि ये ना वाई एक्सिस वाई डिस्टेंस की दूरी पे, और यहाँ से कितनी, सॉरी, ये आपके एक्स दूरी पे है और यहाँ से कितनी दूरी पे है, या यहाँ से कितनी दूरी पे है एक्स एक्सिस से, या आपका वाई दूरी पे है, और ये यहाँ पे आपका थीटा एंगल क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे एक्स कॉमा वाई की ओरिजिन से दूरी बतानी है तो कैसे बताएंगे, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे बताएंगे, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का आपका क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आपको थीटा पूछे क्या होगा, थीटा इज इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। ये ध्यान रखिए कैसे आया, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। हाँ सी, तो ये एक्स क्या है, यहाँ पे दिस इज दी एक्स एंड दिस इज दी वाई। आपने थोड़ा बहुत भी अगर आपको ध्यान है तो आपने 12th क्लास में क्या सीखा था, आपने 12th क्लास में सीखा था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाना। थोड़ा सा रिमाइंड करिए बस कि ये आपका क्या है, कोई भी वेक्टर होता है, जैसे हम आर वेक्टर ले लेते हैं, तो ये अगर थीटा एंगल बना रहे, तो अगर हम इसके कॉम्पोनेंट्स बनाते थे तो ये क्या होता था, आर कॉस थीटा, ये क्या होता था, आर साइन थीटा, मतलब जो जिसके साथ एंगल बना रहे, तो ये क्या हमारा एक्स है, तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, आर कॉस थीटा, और वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, आर साइन थीटा। तो यहीं से ये वाला फॉर्मूला बना, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास 2, -√3 के, अभी हमें ना पोलर कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, 2, -√3 के अभी हमें क्या बताने हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है, जो आपके आर और थीटा के टर्म्स में हो। बेसिकली पोलर कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है, जो आपके आर और थीटा के टर्म्स में है, दैट इज योर पोलर कोऑर्डिनेट्स, सिंपल। तो 2, 3 के अभी हमें क्या बताने हैं, -√3 के पोलर कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। सो सी, पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या क्या चाहिए होता है, एक तो हमें आर चाहिए होता है और एक हमें थीटा चाहिए होता है, इतना क्लियर है ना। तो आर क्या होगा हमारा, आर अभी अभी हमने पढ़ा ऊपर कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का आपका क्या होगा, वाई स्क्वायर होगा। आर इज इक्वल्स टू एक्स क्या हमारा, 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4, और वाई का स्क्वायर दैट मीन्स -√3 का स्क्वायर, तो क्या आएगा, √3। √3 का स्क्वायर मतलब आपका 3 से 3 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4, 5, 6, 7, 8, इसे क्या लिख सकते हैं हम, √8 को 2√2। तो आर इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, 2√2। अब हमें और दूसरा क्या चाहिए, थीटा चाहिए, थीटा क्या होगा हमारा, 10 इनवर्स y/x, 10 इनवर्स y/x, y कितना हमारा -√3, और x क्या हमारा 2, 10 इनवर्स -√3/2। तो ये अभी हमने बहुत जनरल सी टर्म ले ली थी, अगर हमें ना पता नहीं है कि √3/2 हमारे कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, अगर हम कोई भी इजी सी वैल्यू ले लेते, जैसे सपोज करो हम इसे 1 ले लेते हैं, 1, -√3, तो यहाँ पे क्या आ जाता,
रूट थ्री अपॉन में वन, तो ये हमारे लिए और भी इजी हो जाता सॉल्व करना। 1, -√3 लेके कर लेते हैं, वो ज्यादा आसान रहेगा, हमारी सारी कैलकुलेशन भी क्या हो जाएगी उससे इजी हो जाएगी। यहाँ पे ले लेते हैं 1, -√3, तो 1 का स्क्वायर 1, √3 + 1 क्या हो जाएगा 4, दैट मीन यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और इधर क्या आ जाएगा 10 इनवर्स -√3/1। ये क्या है, -y/x, 10 इनवर्स इज इक्वल्स, यहाँ पे क्या था आपका y/x, तो 10 इनवर्स √3 कब आया था आपका। इसमें आप एक चीज और सीखिए क्या, कि ये आपका क्या है, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये क्या है आपकी वाई एक्सिस। इसमें क्या होते हैं, सारे एंगल्स पॉजिटिव होंगे। अगर यहाँ पे आ जाए, इस वाले सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए, तो आप करोगे क्या, π - θ। अगर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, π + θ। और अगर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए, तो दैट मीन्स 2π - θ, 2π - θ। तो अब हमारा ये किसमें आ रहा है, 10 इनवर्स -√3। -√3 का मतलब क्या है, एक्स हमारा प्लस का है और वाई हमारा माइनस का है। एक्स हमारा प्लस का है और वाई हमारा किसका है, माइनस का है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 2π - θ। तो 10 इनवर्स -√3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, √3 मेरा कब आता है, कब आता है मेरा √3 आपका आता है 10π/3 पे, है ना, 10π/3 पे। 10 से 10 काट दूं तो इधर क्या आ जाएगा मेरा π/3, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये इस वाले क्वाड्रेंट में। तो इसमें मेरा थीटा क्या है, तो इसमें मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा 2π - π/3। तो 2π - π/3 क्या होगा, 6π - π, दैट इज योर 5π/3। तो थीटा क्या आ गया आपका 5π/3, और इधर से r क्या आ गया आपका 2। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम, थीटा आ गया हमारा और हमारा क्या आ गया, r आ गया। तो उस अब हमें कोऑर्डिनेट्स बताने, तो x क्या था हमारा r cos θ और y बताना था r sin θ। तो हम बता देंगे ना, r cos θ, r cos 5π/3, आर हमारा कितना है 2 cos 5π/3, और इधर से y = 2 sin 5π/3। ठीक है, आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर है। आपको ये वाली टेबल ध्यान में रखनी है, कौन से वाली बच्चे आपको ये वाली टेबल, ये कि अगर आपका ये एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो हम उसके नहीं छेड़ेंगे, जैसे ऐसे ही रहेगा। अगर आपको सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा π - θ होगा। ये आपने शायद 12th स्टैंडर्ड में भी सीखा होगा ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। और अगर आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसमें हो जाएगा π + θ, और इसमें है तो क्या हो जाएगा 2π - θ, उसमें थीटा ही रहेगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाँ चलिए आगे चलते हैं। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है क्या, कि हमें बताना है -√3, -1। इसके हमें क्या बताने हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या चाहिए, एक तो आर होना जरूरी है और एक थीटा होना जरूरी है। देख लो, दोनों माइनस में, एक्स भी माइनस में है, वाई भी माइनस में, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, इसमें होगा, तो π + θ करना पड़ेगा। पहले आर निकाल लेते हैं, आर क्या होता है, √x² मतलब 3 का स्क्वायर 9, प्लस y² तो +1, तो 9 + 1 क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। एक मिनट, √3 का स्क्वायर ना, तो ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा आपका। तो ये आपका कट के क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 + 1 = √4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आर निकल गया, अब हमें थीटा निकालना है। थीटा निकालने का क्या तरीका है, 10 इनवर्स y/x, 10 इनवर्स y क्या है हमारा, -1 है, और x क्या है हमारा, -√3 है। तो 10 इनवर्स 1/√3 कब आता है, अगर आप यहाँ पे माइनस के साइन को नेग्लेक्ट करके चलेंगे ना, तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम जो माइनस का साइन है, वो विद द हेल्प ऑफ द क्वाड्रेंट्स हम उसे कर रहे हैं। ठीक
ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम वाई और एक्स के जो साइंस है उनको नेग्लेक्ट करके चलेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली वाई वन आ गया, 1/√3, ये कब होता है आपका 1/√3 π/6 पे, ये आपका होता है 1/√3 आपका 30 डिग्री, दैट मीन्स 10 π/6 पे। तो थीटा क्या आया यहाँ से, π/6, लेकिन थीटा क्या लेना है, फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट में, दैट मीन्स π+θ, तो π+π/6, तो 6π+π क्या हो जाएगा आपका, 7π/6। थीटा यहाँ से क्या आ गया, 7π/6, थीटा भी है आर भी है, क्या हम पोलर कोऑर्डिनेट्स आगे नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया, यहाँ पे हमारा पोलर कोऑर्डिनेट्स खत्म हो गया। पोलर कोऑर्डिनेट्स का मतलब बेसिकली क्या है कि आपका वो आर और थीटा की फॉर्म में होना चाहिए, जस्ट एज सिंपल एज दैट। चलो इतना हमारा हो गया कंप्लीट, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है, बचपन से पढ़ रहे हो कि क्या, कि सपोज करो ये हमारा एक पॉइंट है x, y, ये मेरा कोई दूसरा पॉइंट है x1, y1, अगर मुझे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालते हैं, पढ़ा हुआ है ये x, y है, ये आपका x1, y1 है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, x√x2 − x1 का स्क्वायर, इसे x2 ले लो, इसे y2 ले लो, इसे x1 ले लो, फिर इसे y1 ले लो, यहाँ से क्या हो जाएगा, x2 − x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 − y1 का होल स्क्वायर। सिंपल, कोई बहुत बड़ी इसमें राम कहानी नहीं थी, बहुत इजी सा था, बचपन में पढ़ा हुआ है क्या, s√x2 − x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 − y1 का होल स्क्वायर। अगर आपको क्वेश्चन में दे दे पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, क्वेश्चन में दे दे वो आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स, उनके बीच का डिस्टेंस बताओ, ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो नहीं पढ़ा पोलर कोऑर्डिनेट्स वाला। जैसे यहाँ पे उसने दे दिया r1, θ1, यहाँ पे दे दिया r2, θ2, इसको मान लेते हैं ए पॉइंट, इसको मान लेते हैं बी पॉइंट, तो ए बी के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला याद कर लो, √r1² यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं इसलिए इस फॉर्मूला को रट लो, r1² + r2² − 2 r1 r2 cos θ1 − θ2, इजी, cos θ1 − θ2, ठीक है ना, ये हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में अगर वो दे दे तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, नहीं तो फिर अगर सिंपल है तो वो तो हमें पता ही है, x2 − x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 − y1 का होल स्क्वायर, r1² + r2² − 2 r1 r2 cos θ। इसके ऊपर अभी हम क्वेश्चंस भी देख लेंगे। देखो भाई ये हमारा क्या है, ए बी था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी थी ए बी, अगर ए बी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, अगर ए बी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या है, तो वहां पे आपको सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये आपका एक्स एक्सिस, तो y1 और y2 क्या हो जाएंगे, सेम ही हो जाएंगे, y1 = y2, अगर y1 = y2 हो गया तो ये वाला पार्ट 0, तो s की वैल्यू क्या होगी, खाली x2 − x1। ऐसे ही अगर ए बी आपका पैरेलल हो जाए वाई एक्सिस के, वाई एक्सिस का मतलब क्या, एक्स के पैरेलल, इसमें क्या होगा, x1 = x2, यहाँ से सीधा सीधा फॉर्मूला क्या निकलेगा, यहाँ पे मॉड ले लेना क्योंकि ये आपकी सारी बात किसमें चलती है, मॉड में चलती है, तो यहाँ पे x1 = x2 हो जाएगा, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, y2 − y1, मॉड ले लेना, ठीक है, समझ आया इतना, एक मिनट।
ठीक है, इतना समझ आया, बहुत इजी है ना ये तो, कि अगर ए भी आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो ये होगा, अगर ए भी आपका वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगेगा। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला कर रहे हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला की बहुत सारी एप्लीकेशंस है, बहुत सारे उसके यूजेस हैं। अगर आपका मन कर रहा है कि एग्जाम्पल देखने का, तो एक एग्जाम्पल हम करा ही देते हैं। देखो सपोज करो, मैं यहीं पे आपका छोटा सा एग्जाम्पल करवा देती हूँ। ये आपकी इन दोनों के बीच में ये 1.2 है, ये आपका मान लेते हैं -3.8 है, इसके बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालोगे? √x2 − x1² मतलब -3, सॉरी -3 −1² x2 − x1 प्लस y2 − y1² मतलब प्लस 8 − 2² −3 − 1 क्या हो गया? -4। −4² क्या हो गया? 16। और 8 में से 2 गए 6, 6 का स्क्वायर क्या हो गया? 36। और 36 + 6 क्या हो जाएगा आपका? 52, √52। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इतना है। दिस इज इजी, इतना समझ आ गया। अब हम क्या सीख रहे हैं कि यूज सीख रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला का। सबसे पहला यूज देखो भाई क्या है, यूज है इसके काफी सारे यूज है। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारा, इसका हम इसका यूज करते हैं कोलिनियरिटी को चेक करने के लिए, मतलब कोई कोलिनियर है या नहीं है इसको हम चेक करने के लिए किसका यूज करते हैं, हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करते हैं। सी, हमारे पास 3 पॉइंट्स है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ये x1, y1 है, ये आपका x2, y2 है, और ये आपका क्या है? x3, y3 है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि इसकी कोलिनियरिटी चेक करिए, तो कोली मतलब ये तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर है या फिर नहीं है। कैसे चेक करेंगे हम इसकी कोलिनियर? इसका ये ए पॉइंट मान लो, ये आपका बी पॉइंट मान लो, ये आपका सी पॉइंट मान लो। अगर ए सी ये आपका पूरा किसकी इक्वल आ जाता है? ए बी प्लस बी सी के। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों पॉइंट्स आपस में क्या है? कोलिनियर है। ए बी को कैसे, ए सी को कैसे निकालोगे? x3 − x1² −y3 − y1² सारा आपका क्या आ जाएगा? अंडर रूट में आ जाएगा। अगर ए बी के बारे में बात कर रहे हैं तो अगेन √x2 − x1² प्लस y2 − y1² ये तो इजी है ना। अगर हम, और इसका स्लोप देखिए, कोलिनियर इसका चेक करने का दूसरा तरीका क्या है? जो y2 − y1 / x2 − x1 इज इक्वल्स टू y3 − अगर ये आपस में इक्वल हो जाते हैं तो ये इसका दूसरा तरीका है कि ये भी आपस में क्या है? इक्वल है। y3 − y2 / x3 − x2 ये स्लोप निकल। और क्या है, अगर ये तीनों पॉइंट्स मुझे ऐसे दे दें, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, ये मेरा सी पॉइंट है। यहाँ पे मान लेते हैं कि ए है x1, y1, ये है हमारा x2, y2, और ये क्या हमारा x3, y3। तो कैसे करेंगे हम? अगर इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 0 आ जाए तो दैट मीन्स दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब एरिया कैसे निकालते हैं? अगर ऐसे ऐसे दे दे तो हमें x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसका एरिया निकालने पे ये आपका क्या आ जाए? 0 के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब क्या है? ये तीनों पॉइंट्स आपके क्या हैं? कोलिनियर है। ये तो इसकी क्या हो गई? पहली एप्लीकेशन हो गई। दूसरी एप्लीकेशन देखिए इसकी, दूसरी एप्लीकेशन इसका कहाँ पे यूज करते हैं हम? इसको हम करते हैं आपका ट्रायंगल को चेक करने के लिए। ट्रायंगल को चेक करने के लिए मतलब क्या है कि वो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, स्केलर ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल है, हम इसको चेक करने के लिए करते हैं। अगेन ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ये क्या हो गया आपका? x1, y1। बी क्या हो गया आपका? x2, y2। और सी क्या हो गया आपका? x3, y3। ठीक है,
अब इतना हो गया, तो अगर मेरा ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल आ जाए तो इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब ए बी को आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, बी सी को आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे और सी ए को निकाल लेंगे, अगर ये तीनों साइड्स अगर इक्वल आ जाए तो दैट मीन्स दिस ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। अगर आपका ये दो साइड इक्वल आ जाए और तीसरी साइड इक्वल ना आए फिर वो क्या होता है? आइसोसेलस होता है, मतलब ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज नॉट इक्वल्स टू सी ए, दो साइड्स इक्वल है बट तीसरी नहीं है, दैट मीन्स आइसोसेलस ट्राइंगल। ठीक है, अगर तीनों ही साइड इक्वल ना आए, तीनों साइड अलग अलग आ जाए तो क्या होगा? ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी सी इज नॉट इक्वल्स टू सी ए, दैट मीन्स ये क्या आपका स्केलन है। राइट हैंड साइड के लिए क्या होता है? एक होता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है? आप क्या करोगे, इनका स्क्वायर लोगे। हाइपोटेन्यूज थ्योरम पढ़े ना, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब अगर आपकी एसी का स्क्वायर, मतलब किसी भी एक साइड का स्क्वायर दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। अब चलो आगे देखते हैं। ये हमारी क्या है, पहले हमने कोलिनियरिटी को चेक करने के लिए करी, दूसरी हमने ट्राइंगल को चेक करने के लिए करी। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे अब इसकी, नेक्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे क्वाड्रिलेटरल के लिए। किसके लिए? क्वाड्रिलेटरल के लिए। क्वाड्रिलेटरल का मतलब देखिए, रेक्टेंगुलर क्वाड्रिलेटरल कब बोलोगे आप? कि आपका जो क्वाड्रिलेटरल है वो रेक्टेंगल है, ये हमारा रेक्टेंगल होता है। इसके लिए हमारी मस्ट कंडीशन क्या है कि अगर ये ए बी सी डी है, ये क्या होने चाहिए, सारे एंगल्स 90 डिग्री पे होने चाहिए। मस्ट फर्स्ट कंडीशन, ये वाली साइड इसके पैरेलल होनी चाहिए, ये वाली साइड इसके पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल होनी चाहिए, ये वाली साइड इसके इक्वल होनी चाहिए। फर्स्ट मस्ट कंडीशन यही है हमारे लिए, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ कि रेक्ट ए बी का अगर ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला निकालोगे तो वो सी डी के बराबर आ जाए, और ए डी का निकालोगे इधर वाले का अगर बी सी के बराबर आ जाए तो आप उसे क्या बोल दोगे कि वो रेक्टेंगल है। और क्या होता है इसमें, ये रेक्टेंगुलर बाइसेक्टर होते हैं, यहां से हम इसको काटें और यहां से हम इसको काट दें। ठीक है, अगर इनके डायगोनल्स भी क्या आ जाए, बराबर आ जाए, मतलब ए सी इज इक्वल्स टू डी बी, तो ये क्या होते हैं हमारे रेक्टेंगुलर आपका क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड पहला तो चेक कर लिया, अब उसके बाद दूसरा है आपका क्या, पैरेललोग्राम कैसे चेक करोगे? पैरेललोग्राम के लिए क्या कंडीशन होती है भाई? ये क्या हमारा पैरेललोग्राम है? पैरेललोग्राम क्या होते हैं आपके, कि ये वाली साइड आपस में क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, ये वाली साइड आपकी, ये वाली साइड क्या होनी चाहिए, आपस में पैरेलल होनी चाहिए, और ये क्या है इसके डायगनल्स हैं। तो पैरेललोग्राम के लिए कैसे चेक करोगे कि ए बी सी डी के इक्वल होना चाहिए, और इसको अगर मैं लेबल कर दूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके जो पैरेललोग्राम है उसके डायगनल सेम हो, दिस इज नॉट द मस्ट कंडीशन। बी डी शुड नॉट इक्वल्स टू ए सी, दैट मीन्स अगर मैं पैरेललोग्राम ऐसे बना दूं, क्या इसके आपको डायगोनल्स इक्वल्स दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे ना। एसी शुड नॉट इक्वल्स टू योर बी डी, और दूसरी कंडीशन क्या है, पैरेललोग्राम है मतलब अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, एक तो ए बी इक्वल्स टू सी डी आ गई आपकी, और दूसरी क्या आ जाएगी, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी आ जाएगी। इतनी बात आ गई समझ में, इतनी चीज क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट चलते हैं, पैरेललोग्राम हो गया, अब चलते हैं स्क्वायर के ऊपर। स्क्वायर सारे एंगल अगेन 90 डिग्री पे होते हैं, डायगनल्स भी इक्वल होते हैं, मतलब सारी चीजें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो इसको चेक करना। ए बी सी डी सब चीजें क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ए बी
इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए एंड डायगोनल्स भी इक्वल होना चाहिए, इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू डी बी। ठीक है, मतलब सारी चीजें क्या होनी चाहिए आपकी, इक्वल होनी चाहिए स्क्वायर में, स्क्वायर का पता है। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत इजी से है। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, रोम्बस आ गया। रोम्बस के लिए मस्ट कंडीशन क्या होती है कि ये हमारा रोम्बस है, ये आपके रोम्बस की डायगनल्स क्या होनी चाहिए, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करने चाहिए। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए। और ये दोनों आपके जो आपके डायगनल्स हैं एक दूसरे को कट करने चाहिए। दिस इज नॉट नेसेसरी कंडीशन कि ये इक्वल हो, क्या आपके जो डायगनल्स हैं वो इक्वल हो। ए सी इज नॉट इक्वल्स टू बी डी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं रोम्बस के लिए। ठीक है, और स्क्वायर में और रोम्बस में क्या अंतर है, स्क्वायर और रोम्बस में बस इतना अंतर है कि इसके डायगनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं लेकिन इक्वल नहीं होते। उसके डायगनल्स स्क्वायर के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इन सबके डायगनल्स बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, जितने भी अभी तक हमने क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ ली हैं उन सबके डायगनल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगे। वो एक छोटी सी चीज ध्यान रखना, जिसकी साइड्स क्या होंगी, मतलब बेसिकली जिसके डायगनल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। जिसके डायगनल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। जो उसकी साइड है ना वो 90 डिग्री पे होंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास रेक्टेंगल था, हमारे पास क्या था, स्क्वायर था। इन दोनों के डायगनल्स इक्वल है और इन दोनों की साइड से कहाँ कर रहे हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। और जिनकी साइड्स इक्वल होंगे, एक और लिख लो, जिनकी साइड्स इक्वल होंगी उनके डायगनल्स बाइसेक्ट करेंगे। मतलब उनके डायगनल्स किस पे होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। ठीक है, जिनके डायगनल्स इक्वल उनकी साइड 90 डिग्री पे होंगी, जिनके साइड इक्वल उनकी डायगनल 90 डिग्री पे होगी। इसका केस हमारा क्या है, स्क्वायर और रॉम्बस है। ठीक है, ये हमारी क्या है कि एप्लीकेशन कर ली हमने पोलर कोऑर्डिनेट की, तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या देख लिया। ये तो हमारा कल का है, पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए आज हमने पढ़ा, पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमने क्या पढ़ा कि वो आर और थीटा की फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, अगर आर और थीटा की फॉर्म में तो हम उसे क्या बोलेंगे, वो पोलर कोऑर्डिनेट है। उसके बाद देखिए हमने क्या पढ़ा, पोलर कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। उसके लिए हमने एक तो फॉर्मूला पढ़ा, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और थीटा कैसे निकलेगा, इस तरीके से एक्स क्या होगा हमारा, आर कॉस थीटा के इक्वल होगा, और वाई क्या होगा हमारा, आर साइन थीटा के इक्वल होगा। उसके बाद हमने आगे पढ़ा, हमने एक एग्जाम्पल देखा इसके ऊपर। उसके बाद हमने डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में देखा। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आपका सिंपल फॉर्म में गिवन है एक्स वाई के फॉर्म में तो हम इस तरीके से निकालेंगे, और अगर हमारा पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में गिवन है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। मैं आपको एक पोलर कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन करवा देती हूँ नीचे। अगर ए बी आपका पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो ये आ जाएगा, और अगर ए बी पैरेलल है वाई एक्सिस के तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा अभी बताया ना कि एक्स वन और एक्स टू सेम ही रहेंगे, तो इधर आपका क्या हो गया, एस इज इक्वल्स टू डायरेक्ट मोड में वाई टू माइनस वाई वन। डिस्टेंस फॉर्मूला के बहुत सारे यूज है, क्या क्या यूज है, हम इसको कोलिनियरिटी को चेक करने के लिए यूज करते हैं। दूसरा क्या यूज है इसका, वो लीनियर तो चेक हो गया, दूसरा हम ट्राइंगल चेक करते हैं कि वो इक्विलेटरल है, स्केलर है, आइसोसेलेस है या फिर राइट एंगल है, और कैसे कैसे चेक करते हैं ये भी हमने देख लिया। सी फिर हम क्वाड्रिलेटरल में वो रेक्टेंगुलर है, वो रोम्बस है, वो स्क्वायर है, क्या। तो बस बेसिकली आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने डिस्टेंस फॉर्मूला और पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में समझा। अब हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी, नेक्स्ट क्लास में सेक्शन फॉर्मूला से शुरू करेंगे। तो आपको होप है कि क्लास पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं पॉइंट्स की नेक्स्ट क्लास के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।